इतने दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इसका कोई रीज़न था। तो हम लोग गए थे सिंधबाद में गए थे। तो मैं आपको पता है मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। मैं सारी राइड्स में बैठा, मैंने वीडियोस बनाई, सारी राइड्स में बैठ गया मैं। अब लास्ट रही है डॉजिंग कार, मैं डॉजिंग कार पर बैठा, डॉजिंग कार पर मैं बैठा। मैंने लास्ट वीडियो वहाँ पर बनाई डॉजिंग कार पर कि हम डॉजिंग कार पे हैं। लास्ट वीडियो ऐसे करके बनाई मैंने। उसके बाद मैंने ना शॉप करके अपने जेब में मोबाइल रख लिया। जैसे मैं जेब में मोबाइल रखा ना, उसके बाद डॉजिंग कार स्टार्ट हो गई, फिर हम डॉजिंग करने लगे। डॉजिंग करते करते ना मोबाइल ना मेरा जेब से निकल के ना डॉजिंग कार में ही रह गया। अब हम उतरे दूसरे झूले में जाने के लगे। जब दूसरे झूले में मैं पहुँचा, मैंने जेब चेक करी, जेब में मोबाइल ही नहीं। मेरा तो रोना स्टार्ट, मैं थोड़ा रोया। उसके बाद हम डॉजिंग कार गए, डॉजिंग कार पूछने गए कि अंकल से पूछने गए कि अंकल डॉजिंग कार पे मेरा ना मोबाइल खो गया। तो अंकल ने बोला कि यहाँ पे तो कोई मोबाइल नहीं है, आप चेक कर लें। जैसे मैं चेक करा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद था ही नहीं मोबाइल। फिर हम लोग अफसोस हो के घर चले गए। फिर जैसे हमारी आदत होती है ना, घर आके एडिट करके उसके बाद खिजरापी को देते हैं, वो एडिट करके ब्लॉग डालती हैं। अब मोबाइल ही नहीं, इतना अफसोस हो रहा था। उसकी वजह से मैं 3-4 दिन से, मेरे 5-6 दिन से व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे सही, बस ऐसे ही आ रहे थे। किसी दिन डल रहा था, किसी दिन नहीं डल रहा था, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स आ नहीं रहे थे। तो इसलिए नहीं आ रहे थे कि मैं मोबाइल गायब था। अब उस बंदे को पासवर्ड पता चल गया, मेरे मोबाइल का पासवर्ड पता चल गया, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, उसका पासवर्ड पता चल गया। उसका जैसे पासवर्ड पता ना, तो पहली कॉल मेरी बहन की थी मेरे पापा के मोबाइल से। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला, फिर मामू से बात हुई उनकी कि यहाँ पे हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ, आप यहाँ पे आ जाएं, ये वगैरह बात हुई। तो फिर मामू गए वहाँ पे लेने, मामू मोबाइल लेने गए, तो शुक्र अल्लाह ताला ने मोबाइल वापसी दे दिया। 25-30 हज़ार का नुकसान होना ही था, वरना तो शुक्र से मोबाइल आ गया, वरना तो चला जाता। वैन देती नहीं थी ऐसा, जैसे मेरा अपना मोबाइल होता था ना, मैं 24 घंटे यूज़ करता होता था, वैसा नहीं है। बस दे देती थी 1-2 घंटे के लिए, दे देती थी जब व्लॉग मुझे बनाना होता है, जब वो भी दे देती थी। मेरा खुद से ही दिल नहीं जाता ये व्लॉग बनाने का ना। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक करते हैं ना, व्यूज़ आते हैं इतने, फिर बुरा लगता है ना कि आपके लिए इतने मेहनत से हम वीडियो बनाए, आप ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, बुरा लगता है ना। अभी शरबत बन रहा है, जब भी नानी बादाम काट रही है। कितने बारीक बारीक बादाम काट रही है हमारी नानी। हमारी चीनी आ चुकी है और ये वो आ गया, मिल्क पैक आ गया, ये जामेशीरी आ गया, और यहाँ पे नानी ने बादाम काट लिए हैं। और ये क्या है नानी, ये दूध मलंगा आ गया, और जग में पानी भी आ गया है। ये हमने पानी में तूप मलंगा डाल दिया। अब हमारी नानी चीनी डालनी है, आज इससे ज़्यादा चली गई है। अब हमारी नानी मिल्क पैक डालनी है। ये गया, ये सारा चला गया। हमारी नानी जामेशीरी डालनी है। ये गया। अभी हमारी नानी बादाम डालनी है इसमें। ये सारे गया। अभी हमारे शरबत बन चुके हैं, ये देखें कितना प्यारा दिल बन चुका है। हाँ लिया। ये अभी नानी इसको घुमा रही है, लेकिन कितना अच्छा शरबत बना है।
ये देखो अच्छे लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।